alaikum dear students, hope you all are doing amazingly good. Today we are going to learn a new chapter from your EVS book, which is on page number 11 to 15. The name of the chapter is Fun with the Family. Fun with the family means, jo masti hum apne हेलो माय नेम इज़ निकिता रवि इज़ माय ब्रदर सो निकिता एक लड़की है ये हमें बताएगी कि ये कैसे अपनी फैमिली के साथ फ़न करती है इंजॉय करती है इसका नाम निकिता है और इसका एक भाई है जिसका नाम रवि है वी स्टडी इन सेम स्कूल ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं आफ्टर डूइंग आवर होमवर्क वी फील टायर्ड जब हम अपना होमवर्क फिनिश करते हैं स्कूल से आके घर में तो हम थका हुआ महसूस करते हैं क्योंकि जब आप बहुत टाइम तक या ज़्यादा देर तक पढ़ते हो तो आप थोड़े से बोर भी हो जाते हो और आप खुद को थका हुआ भी महसूस करते हो इसी तरह से निकिता और उसके भाई जो है वो भी होमवर्क करके थक जाते हैं सो वी नीड फन सो अभी ये क्या करते हैं ये कुछ फ़न के लिए करते हैं ये इनको कुछ फ़न की ज़रूरत है जिससे ये थोड़ा लाइटन अप हो जिससे ये थोड़ा यू नो रिलैक्स हो वी हैव फन व्हेन वी डू थिंग्स वी इन्जॉय जो भी आप कोई एक्टिविटी या कोई चीज़ करते हो जैसे आप गेम्स खेलोगे आप पिकनिक पे जाओगे आप आ, किसी बर्थडे पार्टी पे जाओगे या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपको मज़ा आता है जिसमें आपको लुत्फ आता है उसको हम रिक्रिएशन कहते हैं क्योंकि जैसे गेम्स आप खेलते हो जब आप गेम्स खेलते हो आपको मज़ा आने लगता है उसमें आप उसको चीज़ को इन्जॉय करते हो या फिर शादियों में जाते हो तो आपको उस वहाँ पे भी मज़ा आता है सो so, कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको मज़ा आए जिससे आपको यू नो आपका आ, यू नो जो टाइम है वो अच्छे से स्पेंड हो आप खुश हो जाओ उसको हम रिक्रिएशन बोलते हैं इट हेल्प्स अस टू रिलैक्स आवर माइंड इससे क्या होता है जो आप गेम्स खेलते हो कभी फ्री टाइम में या फिर घूमने जाते हो या कोई और एक्टिविटी करते हो जैसे सिंगिंग या डांसिंग तो इससे आपका माइंड जो है वो रिलैक्स होता है we feel happy while doing things we like हम बहुत खुश होते हैं जब हम कोई ऐसी चीज़ करते हैं जो हमें अच्छी लगती है जैसे आपको कोई गेम अच्छी लगती है तो आप चाहते हो कि तो आप पूरा दिन वो खेलो या फिर रोज़ रोज़ खेलो क्योंकि आपको उस चीज़ में मज़ा आता है वी हैव रिक्रिएशन इन many ways, ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे जिन आपको यू you नो know, जिनसे आप uh, खुश हो जाते हो जिससे आप enjoy करते हो इन द इवनिंग वी गो टू children's पार्क टू प्ले क्रिकेट सो निकिता और उसके भाई क्या करते हैं ये शाम को जो इनके घर के पास एक चिल्ड्रेंस पार्क है ये वहाँ पर क्रिकेट खेलने जाते हैं मज़े के लिए समटाइम्स आई राइड माई बाइसिकल और लर्न टू डांस कभी कभार मैं क्या करती हूँ या तो निकिता साइकिल चलाती है या डांस करती है या फिर स्किपिंग भी करती है सो so ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिससे ये खुश होती है रवि लाइक्स टू स्विम जो इसका भाई रवि है उसको स्विमिंग अच्छी लगती है सो वो स्विमिंग करता है ये उसका एक तरीका है टू यू नो इन्जॉय टू हैव फन वेन इट्स वेरी हॉट वी स्टे इनसाइड आर होम जब बहुत गर्मी होती है तो वो घर के अंदर रहते हैं क्योंकि बाहर बहुत धूप होती है तो ये ज़्यादा बाहर नहीं जाते रवि प्लेज़ द तबला वेर आई प्रैक्टिस न्यू डांस स्टेप्स रवि जो इसका भाई है वो तबला बजाता है प्ले करता है जबकि जो निकिता है वो खुद नए नए डांस स्टेप्स सीखती है या उनको प्रैक्टिस करती है वी लाइक टू वॉच कार्टून मूवीज़ और टेलीविजन ऑल्सो ये जब घर के अंदर होते हैं तो ये इनको अच्छा लगता है कार्टून्स देखना टी वी पे कार्टून्स को ये जब देखते हैं इनको मज़ा आता है ये इन्जॉय करते हैं उस चीज़ को सो ये ऐसी एक्टिविटीज़ भी करते हैं समटाइम्स वी प्ले इंडोर गेम्स लाइक लूडो स्नैक एंड लडर्स एंड कैरम कभी कभार ये क्या करते हैं जब घर के अंदर हो तो कुछ गेम्स भी खेलते हैं घर में इंडोर गेम्स वो गेम्स होती है जो हम घर के अंदर खेलते हैं जैसे कैरम है लूडो है स्नै एंड लैडोज़ है चेस है और आउटडोर गेम्स वो होती है जो हम घर के बाहर खेलते हैं लाइक क्रिकेट फुटबॉल वॉलीबॉल खो खो बैडमिंटन सो ये सारी गेम्स आउटडोर गेम्स होती है तो निकिता और इसका भाई जब घर के अंदर होता है एक तो ये कार्टून देखते हैं ये या तो इसका भाई तबला प्ले करता है ये खुद डांस करती है या तो ये को गेम्स खेलते हैं जो घर के अंदर खेली जाती है लाइक लूडो या स्नैक एंड लैडो या फिर कैरम वी गो ऑन हॉलीडेज व पिकनिक जब इनकी छुट्टियाँ होती है स्कूल में तो ये घूमने जाते हैं वी प्ले इन द ओपन एंड हैव अ लॉट ऑफ फन तो एक ऐसे खुले मैदान में जाते हैं जहाँ यू नो खेलते हैं एक खुला मैदान होती है खुली जगह होती है वहाँ पे ये खेलते हैं इनको मज़ा आता है वी ऑल्सो गो टू द ज़ू एंड एन्जॉय वॉचिंग एनिमल्स दियर जू एक ऐसी जगह है जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है और फिर लोग उनको देखने जाते हैं जैसे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं लाइन लाइन है टाइगर uh, है तो इन सारे एनिमल्स को ज़ू में रखा जाता है सो so ये ज़ू भी जाते हैं और वहाँ पे जब ये जानवरों को देखते हैं वाइल्ड एनिमल्स को देखते हैं या फिर बर्ड्स होंगी या फिर कोई भी एनिमल जो होगा इनको मज़ा आता है उनको देखने में ऑल्सो वी नॉट टीज द एनिमल्स और ये क्या करते हैं ये उनके साथ नहीं छेड़ते ये उनके साथ छेड़खानी नहीं करते हैं और हमें करना भी नहीं चाहिए समटाइम्स आवर पेरेंट्स टेक अस टू सर्कस एंड मेला कभी कभार इनके पेरेंट्स इनको सर्कस ले जाते हैं सर्कस में क्या होता है कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनसे लोग जो है वो खुश हो जाते हैं लोग इंजॉय करते हैं तो इनके पापा जो है इनके पेरेंट्स जो है निकिता और रवि के वो उनको सर्कस और मेले में भी लेके जाते हैं जब कोई मेला लगता है वी रियली इन्जॉय वॉचिंग एनिमल्स इन सर्कस एक््रोबैट्स एंड डूइंग एक्साइटिंग स्टंट्स सर्कस में जानवर भी होते हैं कुछ ऐसे जिनको स्टंट्स खाते हैं बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ स्टंट्स खाते हैं जैसे उछलना कूदना या जंप करना सो so, ऐसी जो जब ये जानवरों को ऐसे देखते हैं जैसे मंकी होता है या फिर और कोई एनिमल होगा जैसे कोई ऐसा स्टंट कराएंगे जंप कराएंगे यू नो उससे रनिंग कराएंगे या फिर कुछ कोई भी एक्टिविटी तो ये इस चीज़ को इंजॉय करते हैं द क्लाउंस मेकस लाफ सर्कस में क्लाउंस होते हैं जिनको हम जोकर कहते हैं तो वो इनको हंसाते हैं वी हैव अ लॉट ऑफ फन स्विंग्स इन मेला टू जब कहीं पे भी मेला लगता है तो वहाँ पे झूला भी लगाया जाता है सो जब ये जब निकिता और उसके भाई किसी भी जो भी मेला लगता है वहाँ जाते हैं तो ये झूला झूलते हैं और इनको बहुत मज़ा आता है समटाइम्स वी गो टू द म्यूज़ियम म्यूज़ियम एक ऐसी जगह है जहाँ पे पुरानी चीज़ें रखी जाती है और निकिता और इसका भाई म्यूज़ियम भी कभी कभार जाते हैं वी सी ए नंबर ऑफ़ ओल्ड एंड वंडरफुल थिंगस वहाँ ये बहुत अच्छी बहुत खूबसूरत और बहुत ही पुरानी चीज़ें देखते हैं जैसे पुराने ज़माने बाद में बादशाह हुआ करते थे तो उनकी जो पुरानी चीज़ें हैं वो म्यूज़ियम्स में म्यूज़ियम में रखी जाती है तो उनको देख के इनको मज़ा आता है वी ऑल्सो इन्जॉय वॉचिंग पपेट शो तो कठपुतली का पपेट मीन्स कठपुतली जो कठपुतली का शो भी होता है वो भी इंजॉय करते हैं कठपुतली शो में क्या होता है कि एक स्टोरी दिखाई जाती है कि कठपुतलियों के साथ क्या हुआ या फिर कोई भी स्टोरी उनके रिलेटेड वो कठपुतली के थ्रू दिखाई जाती है तो ये उस चीज़ को भी इंजॉय करते हैं वी लाइक मीटिंग आवर रिलेटिव्स एट बर्थडे पार्टीज एंड वेडिंग्स इनको जब आ, किसी का बर्थडे होता है या फिर शादी होती है तो ये अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं और इनको बहुत अच्छा लगता है और ये उस दिन जब शादी होती है या फिर बर्थडे पार्टी होती है तो ये उस दिन नए कपड़े पहनते हैं वीट लॉट ऑफ टेस्टी फूड ऑल्सो ही उस दिन बहुत अच्छा खाना भी खाते हैं एवरी वन फील्स हैप्पी हर कोई जो है वो खुश होता है हर एक जो आ, शादियों में जाता है या फिर बर्थडे पार्टीज़ पर इनके रिलेटिव्स रिलेटिव जो होते हैं वो बहुत ही खुश होते हैं उनको खुशी महसूस होती है वी इन्जॉय विद आवर फैमिली मेम्बर्स एट सच फंक्शन और निकिता और इसके बायात जो है वो इंजॉय करते हैं अपने घर वालों के साथ अपनी पेरेंट्स के साथ इन फंक्शनज़ में उनको मज़ा आता है वो इंजॉय करते हैं इनको और एल दर्ज ड लस इंटरेस्टिंग बैट टाइम स्टोरीज़ अगर किसी के ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं लाइक दादा दादी तो वो उनको आ, शाम को सोते टाइम पर अच्छी अच्छी मज़ेदार कहानियाँ भी सुनाते हैं और उनको वो भी अच्छा लगता है वी इन्जॉय लिसनिंग टू दैम हमें उनको सुन के मज़ा आता है वी ऑल्सो लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स ऑल्सो ये क्या करते हैं ये स्टोरी बुक्स जिन बुक्स में कहानियाँ लिखी होती हैं वो पढ़ते हैं रिक्रिएशन कीप्स अस फ्रेश एंड एक्टिव जो भी हम कोई ऐसी एक्टिविटी जैसे करते हैं जो भी आपने आज पढ़ा जैसे गेम्स uh, खेलना जैसे डांस करना सिंगिंग करना यू uh, नो you know, बाइसिकल राइड करना शादियों में जाना या बर्थडे पार्टीज़ में जाना पिकनिक जाना जू जाना ये चीज़ें जो है आपको एक्टिव रखती है यू you नो know, आप रेडी रहते हो कि मैं अभी ये भी करूँगा मैं आप हर एक चीज़ के लिए रेडी रहते हो ऑल्सो फ्रेश रहते हो आप वो डल नहीं लगते हो सुस्त नहीं लगते हो बल्कि आप फ्रेश रहते हो सो so, ये कुछ ऐसी रेक्रिएशनस है कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो निकिता और उसके बाई जो है बया जो है वो अपनी फैमिली के साथ इन्जॉय करते हैं आई होप आपको ये समझ आया होगा थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे